टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान जिस सऊदी अरब से अपनी दोस्ती पर इतराता था उसने उसे एक और तगड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब ने अगले महीने रियाद में होने वाले G20 समिट के लिए एक विशेष नोट जारी किया है। इस नोट पर G20 देशों के नक्शे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया। ड्राइवर इमरान खान की ये तस्वीर पिछले साल फरवरी की है, जब सऊदी अरब के प्रिंस सलमान पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे। अरबों की आर्थिक मदद के लालच में मियां इमरान ने प्रिंस का ड्राइवर बनने में भी गुरेज नहीं किया था। प्रिंस सलमान को रिसीव करने इमरान खुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट गए और उनकी कार ड्राइव की थी। प्रिंस को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताने के चक्कर में मियां अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा बैठे थे, लेकिन सऊदी अरब ड्राइवर मियां को बार बार उनकी औकात दिखा रहा है। सऊदी अरब का ये विशेष नोट देखिए, जिसे अगले महीने G20 समिट के लिए जारी किया गया है। इस नोट के पिछले हिस्से में G20 देशों के नक्शे हैं। नक्शे की खास बात यह है कि इसमें पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया। सऊदी अरब ने इन्हें स्वतंत्र देश के रूप में दिखाया। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों तुर्की के साथ दोस्ती निभा रहा है। तुर्की के साथ मिलकर वो कट्टर इस्लामिक मोर्चा बनाने की कोशिश में है। तुर्की के राष्ट्रपति एशिया का खलीफा बनने की चाहत पाले बैठे, जिससे सऊदी अरब खफा है। FATF की बैठक में भी उसने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया था, जिसकी वजह से ग्रे लिस्ट से बाहर आने की उसकी कोशिशें नाकाम रही। G20 समिट को यादगार बनाने के लिए सऊदी अरब सरकार ने 20 रियाल का बैंक नोट जारी किया है। नोट पर छपे नक्शे को लेकर पाकिस्तान झल्लाया तो जरूर होगा, लेकिन प्रिंस सलमान का विरोध करना इमरान के बूते की बात ही नहीं। आपको याद होगा, पिछले दिनों प्रिंस ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मिलने से इनकार कर दिया था। कश्मीर के मसले पर सऊदी अरब ने हर बार पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा है। अगस्त में पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर OIC की बैठक बुलाना चाहता था, लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया था। कश्मीर पर सऊदी सरकार ने कभी भी भारत के खिलाफ नहीं बोला, बाकी अरब देशों ने भी यही किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ मिलकर अलग गुट बनाने में लगा है। भारत से दुश्मनी के चक्कर में उसने सऊदी की दोस्ती भी गंवा दी है। सऊदी अरब और इजराइल के भारत से काफी करीबी रिश्ते हैं, जबकि पाकिस्तान अब भी इजराइल को मान्यता ही नहीं देता। प्रिंस सलमान ने बदलते वक्त के साथ अपनी विदेश नीति भी बदली है। वे अब भारत को काफी ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनावी जंग के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है, और इसके लिए पटना में बाकायदा वॉर रूम बनाया गया है। इसी वॉर रूम से प्लानिंग के साथ एजेंडा तैयार किया जाता है, जनता के मुद्दे क्या हैं उसका फीडबैक भी लिया जाता है, और इसी वॉर रूम से विपक्ष के नेताओं के भाषण पर भी नजर रखी जाती है। वॉर रूम का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर ने। मैं अभी मौजूद हूं कांग्रेस के वॉर रूम में। ये इलेक्शन के लिए, बिहार चुनाव के लिए खास तौर पर यह बनाया गया है। करीब 4 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, देख सकते हैं कि पूरी तरह से लगे हुए हैं लोग, काम कर रहे हैं इस पर। और क्या स्ट्रेटजी बनाना है, क्या कैंपेन में क्या स्लोगन होगा, क्या प्रवक्ताओं को बोलना है, हर पार्टी जो भी विरोधी पार्टी हैं या पक्ष के पार्टी हैं उनके बारे में क्या चल रहा है, क्या सारी स्ट्रेटजी क्या हो रही है, इस बारे में यहाँ पर सब कुछ देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और उसी के हिसाब से कांग्रेस नया प्लान करती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह हर जगह पे पूरा वॉर रूम की तरह यहाँ पर कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये वॉर रूम है, किस तरह से काम करती है ये?
देखिए वॉर रूम का जो उद्देश्य था, चार महीने पहले जब मेंबरशिप हमने की बिहार में, वॉर रूम उसी लिए शुरू किया गया और इसे एक माहौल ये बना कि हमको ग्राउंड लेवल का क्या फीडबैक है, क्या बिहार की जनता के क्या मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी की बात हुई, हमने इसी वॉर रूम के माध्यम से फीडबैक लिया। जो हमारा कैंपेन है बोले बिहार बदले सरकार, मुझे लगता है कि वो जनता की आवाज़ थी और उसी से हमने कैंपेन बनाया। तो ये वॉर रूम का उद्देश्य है कि ग्राउंड लेवल का फीडबैक लेना, उसको आइडिया कैंपेन में करना और कैंपेन को फिर लोगों तक पहुंचाना। जैसे हमने एक कैंपेन किया था का किए हो, तब नीतीश कुमार को जब पहला सवाल पूछा गया कि आपने बिहार के लिए का किए हो, पूरा ही कैंपेन यहीं से हुआ। और ये हमारे सारे वर्कर हैं, कांग्रेस पार्टी के कमिटेड वर्कर हैं, वो लोग सब मिल के यहाँ स्ट्रेटेजी तय होती है, दिन का एक एजेंडा तय होता है कि आज कौन से मुद्दे पर हम बात करेंगे। जैसे आज का हमारा आज बदलेगा बिहार, वो हैशटैग पूरा ट्रेंड कर रहा है। हमारा जितने भी कैंपेन है, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो, जन जन का काम बटा हुआ है। बिल्कुल, जैसे ये जो है ये व्हाट्सएप पे काम करते हैं, ये जो है ये फेसबुक पे काम करते हैं, ये वीडियो पे काम करते हैं। समर्थन में वेव है पर आज लग रहा है सुनामी है, हर जगह से जो फीडबैक आ रहा है, बहुत उत्साह से लोग वोट कर रहे हैं। इस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से रोहन गुप्ता ने बताया कि किस तरह से हम काम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वॉर रूम बनाकर स्ट्रेटजी बनाकर किस तरह से काम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और आगे दो चरण जो है उसके लिए भी प्लान किया जा रहा है कि कैसे काम करना है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। सीतामढ़ी में पुलिस को क्यों पड़े जान के लाले, रोड पर पुलिस आगे आगे तो भीड़ पीछे पीछे। एक लड़की की मौत से गुस्साए गांव वालों ने न खाकी का ख्याल किया न कानून का लिहाज। देखिए, सीतामढ़ी में एक दलित लड़की की मौत पर हंगामा हो गया। यहां सड़क दुर्घटना में एक लड़की की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और जब पुलिस जाम हटाने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा लिया। पुलिसकर्मियों के हथियार छीनने की भी कोशिश की गई, बमुश्किल पुलिसकर्मियों ने जान बचाई। बाद में बड़े अधिकारियों की कोशिशों के बाद हंगामे को शांत किया गया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता दें कि दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जी हिंदुस्तान के मोबाइल ऐप को आप कर सकते हैं डाउनलोड। तरीका मेरे सहयोगी से जानिए। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।